नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज से, और हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट प्रदूषण पर। अगर किसी से पूछे कि 21वीं शताब्दी में मानव जाति के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन। दुनिया तप रही है, प्रदूषण हर सीमा पार कर रहा है। मानव इतिहास के एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी 415 ppm है, जो कि सबसे ज्यादा है। नदियां और समंदर हमारा प्लास्टिक का कचरा खाने को मजबूर हैं। पिछले 40 वर्षों में वन्य जीवन 60% से गिरा है। दुनिया के लिए अब बस ये एक चिंता की बात नहीं, ये एक अलार्म है उस खतरे का, जिनसे शायद आगे आने वाली पीढ़ियां कभी उभर भी ना पाएं। ग्रीन पीस नामक संस्थान की माने तो पटना विश्व का 7वां सबसे प्रदूषित शहर है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर, जो 13वें स्थान पर आता है। अब बातें होती हैं कि ये किसी की साजिश है हमारे राज्य को बदनाम करने की, तो नहीं। अगर हम सुपर 30 पर गर्व करते हैं तो हमें अपनी खामियों को भी अपनाना होगा, क्योंकि सपना बस एक है, एक सुंदर और विकसित बिहार। प्रदेश में 19% मृत्यु वायु प्रदूषण की वजह से होती है। प्रदेश की 11% विकलांगता ध्वनि जल वायु प्रदूषण की वजह से होती है। बिहार सरकार भी इस आपदा से लड़ने को पूरी तैयारी कर रही है। यातायात विभाग ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना जरूरत के हॉर्न बजाने पर कानूनी कार्यवाही होगी। इन हॉर्न से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सजा का प्रावधान है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर बनाने वाली मशीनों पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे वायु प्रदूषण होता है और वातावरण गर्म होता है। पिछले 2 दिनों में प्रदेश के 2 दिग्गज नेता राजीव प्रसाद रूड़ी और सुशील कुमार मोदी ने गंगा में रहने वाले जीवों का मुद्दा उठाया है। हम अपनी रोजमर्रा के दिनचर्या में भी कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं। गर्मी में जब इस्तेमाल में ना हो तो अपना विद्युत उपकरण को बंद कर दें, खासकर AC। ट्रैफिक में हॉर्न्स का इस्तेमाल जरूरत होने पर ही करें, और रेड लाइट पर इंजन बंद कर दें। अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को जलवायु परिवर्तन का मतलब समझाएं। अपने घरों के सामने अगर मुमकिन हो तो पौधे लगाएं, नहीं तो प्रकृति जो बनाना जानती है उस तोहफे को वापस लेना भी जानती है। प्रकृति अगर सृजन जानती है तो विध्वंस भी जानती है। ये जो धुआं है, कचरा है, गंदगी है, ये सब एक विध्वंस है। इन्हें रोकने का प्रयास करें, नहीं तो जल्द ही इंसानियत तो होगी पर इसको देखने के लिए इंसान नहीं होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।